म्यूजियम में 345 सीट वाला एक लेक्चरर हॉल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वापस से मेरे चैनल प्रशांत 87 में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रशांत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाने वाला हूँ, जिसके बारे में अभी बहुत चर्चाएं हो रही हैं यहाँ दुबई में और पूरे दुनिया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा दोस्तों। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपको मिल जाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम कुछ ही देर में अब पहुंचने वाले हैं जहां के लिए मैं आज प्लान करके निकला हुआ हूं। वो जगह बहुत ही अभी दुनिया में बहुत ही फेमस जगह है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है एमरिस टावर। ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। और जस्ट इसी के पास में मैं आ गया हूँ दुबई फ्यूचर म्यूजियम के पास, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। म्यूज़ियम के दीवारों पे अरबी में लिखा हुआ बहुत ही अच्छा कोट्स आपको पूरी तरीके से अरबी में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये म्यूज़ियम 23 फरवरी 2022 से आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, और ऐसा बताया गया है मुझे कि ये 7 मंजिला फ्लोर का बना हुआ म्यूज़ियम है। ये म्यूजियम में 345 सीट वाला एक लेक्चरर हॉल है।
आप चाहें तो यहाँ पे ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। देखिए ये दो बहुत क्यूट से दो ऊंट यहाँ पर हैं। फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के ज़्यादा दूर में नहीं है, पास में ही है। आने के लिए बस वही मेट्रो स्टेशन एमरिस टावर पास का मेट्रो स्टेशन है। आगे देखते हैं, देखिए कितना हरा भरा और कितना ग्रीन ये जगह है। इसके जस्ट सामने दुबई फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम के जस्ट पास में ही ये आप जगह देख सकते हैं। यहाँ पे है पीकॉक इंडियन मोर। अब ये इंडिया का है या नहीं, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आया होगा? ये पीकॉक यहीं पे बहुत सारे यहाँ पे आपको ऐसे ही दिख जाते हैं।